एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इसके पहले की दो वीडियोस पहले ही आ चुके हैं जिसमें हमने बात करी थी एटॉमिक रेडियस की, और उसके बाद की वीडियो में हमने किसकी बात करी थी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये दो टॉपिक, दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं तो आप इधर आ जाइए, अगर वो नहीं हुए तो पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए। तो चलिए चालू करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैं सबसे पहली बात आपको कह देना चाहता हूँ कि हम क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में जो चेंज आता है when an atom take the electron is called electron affinity। ठीक है, electron affinity हमारे क्लियर हो गया क्या, कि वो एनर्जी में जो चेंज आता है, एनर्जी में जो चेंज आता है किसका, कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तब जो एनर्जी में चेंज आता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा अंतर होगा जो आपको याद रखना होगा, वो ये कि इलेक्ट्रॉन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई डेल्टा ई जी एच से, डेल्टा ई जी एच इज इक्वल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस बात को भाई बिल्कुल नोट डाल के लिख लो, इस बात को नोट डाल के लिख लो, ठीक है, ये हमारा मेन बात होगी क्या, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो अभी बात करेंगे इसके कुछ रूल्स की। तो सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में भी लिया था और इधर भी लेंगे, वो है हमारा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताइए आपको किसमें चाहिए, वैसे तो हम दोनों ही करेंगे बट नाम लिख लेते हैं सक्सेसिव डेल्टा ई जी एच, ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो पहला डेल्टा ई जी एच होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो दूसरा डेल्टा ई जी एच होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसी को अगर हम टर्म में बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पहली होती है, यहाँ पर हमने एक और छोटा सा गड़बड़ कर दिया, इधर पॉजिटिव आएगा इधर आएगा नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पहली होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारी दूसरी होती है वो हमेशा नेगेटिव। ये बात और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हमें बात करनी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आपने किया था उधर, हमने चांस भी देखा था कि कैसे कैसे होता है, बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस इतना सा छोटा सा ही पॉइंट आपको याद रखना है, ये अगर आपको याद होगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, बस इतना सा आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में याद। अभी देखो सीधे चलते फैक्टर्स, वीडियो अभी तो चालू ही हुआ है, सीधे फैक्टर पे पहुंच गए, बहुत ही स्लोली नहीं कर रहे इसे, फास्टली कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ई जी एच, यही है पहला फैक्टर, हमेशा की तरह साइज, दूसरा फैक्टर हमेशा की तरह जेड इफेक्टिव, तीसरा फैक्टर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, चौथा फैक्टर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो अभी लगा लो क्या, कि जो हमारा साइज है, एक बात याद रखना हमेशा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है
कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, उधर जो एनर्जी हमें देना होता है वो हम देते हैं, मतलब किसी सोर्स के द्वारा एनर्जी जाता है, बट इधर डेल्टा ईजीएस में जो एनर्जी का काम होता है वो एटम करता है। ये बात हमेशा याद रखना, इधर जो एनर्जी का काम करता है वो एटम करता है। अभी बात करते हैं इन चारों फैक्टर की धीरे धीरे। तो सबसे पहला तो आपको बताइए डेल्टा ईजीएच 1/साइज, वही पुराने वाले तीन फैक्टर रहेंगे, चिंता मत करो। डेल्टा ईजीएच इज जेड फैक्टर। इसका रीजन अगर आपको पता करना है तो पुरानी वाली वीडियो देखो, ठीक है, पुरानी वाली वीडियो देखो जिसमें हमने बात करी थी आयनाइजेशन एनर्जी की, उधर इसके रीजन मैंने बताए हैं किस लिए होता है, कैसे होता है। अब पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी आपको बताइए, एस पी डी एफ। एक्सरे स्टेबिलिटी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये जो डेल्टा ईजीएच होता है ये एक्सरे स्टेबिलिटी के 1/ एक्सरे स्टेबिलिटी होता है। अब ये बात आती है 1/ एक्सरे स्टेबिलिटी क्यों होता है, तो इसे समझने के लिए इस तरीके से समझो, जब हम मान लो हीलियम एटम है, एग्जांपल लेते हैं हीलियम एटम, हीलियम का एटम है, हमें जब आयनाइजेशन एनर्जी की जब हमने बात करी थी तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना था, है ना, हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना था, इसलिए इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। ये स्टेबल है, याद रखना, ये हमेशा स्टेबल रहता है, क्या, क्योंकि इसका जो वो होता है 1s 2 2s 2 और 2p6 स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फुल है। तो जब हमें एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना था तो हमें एनर्जी से देनी थी, बट अब क्या है, अब इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है, हमने उसे ज्यादा एनर्जी देनी थी, वो तभी तो निकाल के देता, बट जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, जब हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकालेगा जो कि पूरा स्टेबल है, उसका मन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन निकालने का, जब उसका मन नहीं होगा तो कम ही एनर्जी देगा, सीधी बात कम ही एनर्जी देगा। तो इसका यहाँ पर ये बात हो गई कि डेल्टा ईजीएच जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रमोशनल होता है इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के। ये साइज वाली बात क्लियर, जेड इफेक्टिव की बात क्लियर, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की बात क्लियर। अच्छा, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो भी एक और बात बता देता हूँ कि इस बात को हमेशा आप नॉर्मल लॉ समझो, ठीक है, इसे आप लॉ समझ लो और इधर देख लो इसे। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो डेल्टा ईजीएच क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो डेल्टा ईजीएच बढ़ेगा, क्लियर है, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो डेल्टा ईजीएच बढ़ेगा, इसका भी रीजन है, अभी बताऊंगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो डेल्टा ईजीएच बढ़ेगा, है ना, और जेड इफेक्टिव ज्यादा इसका मतलब साइज कम होगा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको पहले ही बता चुके हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिंक कर लेता है, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट, श्रिंक कर लेता है इलेक्ट्रॉनिक एटम, श्रिंक कर लेता है अपने आप को, छोटा कर लेता है, इतना बड़ा होगा अपने आप को श्रिंक करके इतना सा कर लेगा, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, अपने आसपास एक शील्ड सी बना लेता है, जादू की छड़ी, कोई बाहर नहीं जा सकता, है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं कर सकता, वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो उसके नजदीकी शहर वाले होते हैं वो एक छड़ी सी बना लेते हैं, शील्ड बना लेते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा भी है पहले। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर, ये जो डेल्टा ईजीएच बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है, तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन मिल गया, ये देख लो, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा साइज कम होगा तो डेल्टा ईजीएच बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर बात करोगे डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा ईजीएच और जेड इफेक्टिव के बीच का रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया, इस सबको मिटाते हैं और इसका ही रिलेशन देखते हैं, आज इसी को नहीं छोड़ेंगे, आज इसी की बात करेंगे, चलो इसकी बात करते हैं, उठा करके ले गए यहां जेड इफेक्टिव। मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं आपके 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल नाइट्रोजन है, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक नाइट्रोजन का एनायन है, तो नाइट्रोजन का एक एनायन है, तो इसका मतलब क्या, 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, यही बात होगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, यही बात होगी, क्लियर। अच्छा अभी यहाँ पर देखो, सात प्रोटॉन सात इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अच्छे से खींच पाएंगे, है ना। और जब सात प्रोटॉन आठ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली लेस खींचेंगे, राइट, इससे थोड़ा सा कम ही खींचेंगे, ये बात तो क्लियर है ना, इससे थोड़ा सा कम खींचेंगे। इसके कारण क्या होगा, इसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। अब जेड इफेक्टिव कम हो गया, चलो ये भी मान लिया, जब हमें से एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो अब तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री में पड़ा है, क्यों, क्योंकि इधर जेड इफेक्टिव कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, वो उसे खींच नहीं पा रहा, तो अपने उस इलेक्ट्रॉन को वो यूं ही छोड़ देगा और एनर्जी आपको हमारी बात इस वाले की जेड इफेक्टिव की, जिसे आप इंग्लिश में अपनी भाषा में बना करके लिख देंगे और एग्जामिनर सही भी कर देगा। तो आगे चलते हैं, अभी जो हमारे आते हैं वेरिएशंस, ठीक है, इसके बाद दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिनकी हम बात करेंगे, वेरिएशन और ट्रेंड। तो चलो वेरिएशन लिख, वेरिएशन, तो वेरिएशन हमेशा ग्रुप में और भाई पीरियड, जैसे हम ट्रेंड भी जानते हैं, ठीक है, ट्रेंड के नाम से भी कह लेते हैं। तो ग्रुप में किस तरीके से आते हैं एलिमेंट्स, इस तरीके से, पीरियड में किस तरीके से एलिमेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। तो जब इधर जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना, इधर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, क्यों, क्योंकि सेल बढ़ती है, राइट, सेल बढ़ती है, साइज बढ़ता है। अब हमें पता है डेल्टा ईजीएच क्या होता है, डेल्टा ईजीएच बोले तो 1/size, मतलब इधर जाने पर डेल्टा ईजीएच कम होगा, होगा नहीं होगा, कम होगा। अच्छा अभी इधर क्या होता है, साइज कम होता है, साइज कम क्यों होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होता है, इसलिए इधर क्या होगा, डेल्टा ईजीएच हमेशा इंक्रीज होगा, रीजन तो आपको पता ही है, वरना एक तो आपको पता चल गया तो दूसरा तो वैसे ही पता है, उसका अपोजिट होगा, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी वेरिएशन। अब चलते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन किसके अंदर देखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल हम एक्सेप्शन देखेंगे ग्रुप नंबर 1, सॉरी पीरियड नंबर 1 के अंदर देखते हैं। चलो पीरियड नंबर 1, हाइड्रोजन हीलियम, एक्सपेक्टेड क्या था ये, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। हमने क्या कहा था कि जब उस तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, राइट, यही कहा था ना हमने, और तो कुछ नहीं कहा था। जब हम उस तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यही कहा हुआ है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है। अभी जो आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था वहां पे मैंने हीलियम का ये बना दिया था, राइट, है ना, ये बना दिया था मैंने, तो ये मेरे से गलती से बन गया, मुझे ध्यान नहीं रहा उधर, हीलियम की जगह मुझे नियॉन लिखना था, तो नियॉन का है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हीलियम का होता है 1s2 और 1s1, यही होता है ना। तो जनरली क्या है कि एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो डेल्टा ईजीएच क्या होगा, बढ़ेगा, यही होगा, डेल्टा ईजीएच बढ़ेगा। बट अभी आप अपना दिमाग लगाओगे, हीलियम के अंदर सबसे कम होता है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये फुली स्टेबल है, इस बात से दिमाग लगाओगे, ये फुली स्टेबल है, इसका मतलब ये आ गया हीलियम और फिर हाइड्रोजन, ये हमारा रियलिटी का केस हो गया, ठीक है, रियलिटी। अभी इसको मिटाते हैं और दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा बोले तो बढ़िया सा, बहुत बढ़िया, पीरियड नंबर 2, आपका हमारा सबका फेवरेट, जिसे हम हमेशा यूज करते हैं, या फिर चलो हर बार पीरियड 2 यूज करते हैं तो आपके बाद पीरियड 3 यूज करते हैं, ठीक है। पीरियड 3 कहां से चालू होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियॉन, यही है, क्लोरीन, आर्गन, नॉट नियॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है।
तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था कि पीरियड में जाते वक्त क्या होता है, कम होता है साइज, साइज कम होता है तो डेल्टा ईजीएच बढ़ता है, मतलब इसका कम इसका ज्यादा, इसका ज्यादा इसका ज्यादा इसका ज्यादा इसका ज्यादा इसका ज्यादा। अभी देखो रियलिटी, इसका भी रीजन आप बता दें, रीजन क्या होगा जो रियलिटी में लिखूंगा उसके पीछे का रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर ऑर्बिटल कह लो, क्योंकि फिल कौन होती है, ऑर्बिटल फिल होती है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। तो अभी बात करते हैं रियलिटी, तो रियलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर आप सोडियम का बनाओ, सोडियम का कितना बैठेगा, सोडियम 11 है ना, अभी हमारा जो नियोन गया था नियोन का कितना था 2p6, मतलब 2p6 से आगे वाला, तो 2p6 के आगे कौन सा आता है भाई, 2p6 के आगे कौन सा आता है हमें पता है, 1s 2s 3s 2p 3s में जाएगा, मतलब यहाँ पर 3s1 यहाँ 3s2 यहाँ पे 3p1, 3s के बाद कौन सा लगेगा, यहाँ पे 3p है ना, तो 3p1 3p2 3p3 और 3p4 और 3p5 और 3p6। अभी देखो स्टेबल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, सॉरी क्लोरीन नहीं, तो कौन है, सल्फर है, ठीक है, यहां पर कुछ गड़बड़ सी लग रही है मेरे को, हाँ ये सिलिकॉन है, यहां पर ये गड़बड़ है, ये सिलिकॉन है, तो ये सल्फर हो गया, तो एक दो और ये तीन ये ले लिया हमने, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, आर्गन को, आर्गन को सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम एस और पी में सबसे कम पी का ना, ठीक है, इसलिए आर्गन, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। अभी आगे ले लो सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, तुझा भाई तुझा, ठीक है, फॉस्फोरस, क्लोरीन और यहाँ पर दी एंड, बस इतना ही। अभी आगे कर दो, ये तो हमारे दो एक्सेप्शंस हो गए, और ऐसा ही हर एक पीरियड में हो जाएगा सिवाय 3D के, 3D सीरीज या 4D सीरीज 5D सीरीज जो भी आप सीरीज जानते हो, सीरीज के सिवाय। चलो अभी देखते हैं तीसरा एक्सेप्शन, जो कि जनरली हर एक ग्रुप के लिए बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। तो इधर के मैं दो एलिमेंट लिख लेता हूँ जो कि हमेशा यूज होते हैं बाबा, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ी होता है, नाइट्रोजन इधर आएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा, है ना, और ग्रुप नंबर 14 में कौन सा आता है, 14 में आता है हमारा कार्बन, अच्छा तो अभी इधर देखो, इधर वाले के ये तीन कौन से है, क्लोरीन से पहले कौन सा आता है, क्लोरीन से पहले आता है सल्फर, और इधर फॉस्फरस, और इधर कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो इतने की तो मैं बात करूंगा, इतने की मैं बात करूंगा, और इसके नीचे के तो एज इट एज रखेंगे, है ना, इसके नीचे के एज इट एज, अच्छा अभी देख लो जनरल हमारा ट्रेंड क्या कहता है, जनरल हमारा ट्रेंड क्या कहता है, यानी कि हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड क्या कहता है, एक्सपेक्टेड ये कहता है कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। एक बात याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मॉड्यूलस है वो हमेशा इज इक्वल होता है, मॉड्यूलस का मतलब आप ये कह सकते हो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इज इक्वल होता है। एक्सपेक्टेड क्या था कि कार्बन
कार्बन से छोटी सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन से छोटी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटी ऑक्सीजन, क्लोरीन से छोटी सल्फर, और इसी तरीके से आगे भी। तो अब रियलिटी में क्या है, रियलिटी में कुछ चेंज आया क्या? कि ये तो सब वैसा का वैसा ही, नीचे वाला तो सब वैसा का वैसा ही, इधर एक छोटा सा चेंज आ गया, इधर आया इस तरीके, इस तरीके, इस तरीके का, इस तरीके। अब ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये जो हमारी डेल्टा ईजीएच है, डेल्टा ईजीएच है, ये हमारा टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी होता है एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट करने का, ना कि अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कौन करेगा? क्लोरीन करेगा, है ना, ग्रुप 17 में, और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट सल्फर करेगा, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, इस तरीके का चलेगा, हमेशा याद रखना इस तरीके का चलेगा भाई। और ये क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो लेक्चर आएगा उसमें बात ही क्लियर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो लेक्चर आएगा उसमें ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमारे एक्सेप्शन क्लियर हुए, और इस वाले एक्सेप्शन को हमेशा याद रखना, ये वाला एक्सेप्शन हमेशा यूज होता है। और इधर ग्रुप नंबर 16 को मैं स्पेशली ले लूं, तो इधर जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन का सबसे कम डेल्टा ईजीएच होता है, ये केवल इसमें ही एक अलग सी खामियत है, इसका सबसे कम डेल्टा ईजीएच होता है। और इसका रीजन जो है ना वो ये है, क्योंकि ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है ना, इनका साइज थोड़ा कम होता है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेके वीडियो बंद करते हैं। चलो क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास है फ्लोरीन, हमारे पास है सल्फर, हमारे पास है सोडियम, ठीक है, ये चार एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमसे कहता है ना, अरेंज करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग डेल्टा ईजीएच, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर कैसे है, क्योंकि यहां पर अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप की होती तो आप अभी कर देते, बट स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं है, सभी एलिमेंट मिक्स कर दिए। तो इधर एक बात हमें से याद रखना कि सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोरीन, अच्छा ग्रुप का बना लेते हैं, इस तरीके का होता है और इस तरीके का होता है ना। तो इस तरफ क्या होता है, डेल्टा ईजीएच बढ़ता है, इस तरफ डेल्टा ईजीएच घटता है, यही होता है, यही होता है, यही मंजूर खुदा होता है। यहाँ क्या क्लोरीन है, ठीक है, अभी बात करें इधर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब और दूसरे एलिमेंट्स जैसे सल्फर है तो सल्फर का ज्यादा होना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, और फिर सोडियम, क्योंकि सोडियम सबसे पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना, और सल्फर इधर आएगा, और क्लोरीन इधर आएगा, और क्लोरीन इधर आएगा। तो आपको पता है फ्लोरीन का कम होता है ना, फ्लोरीन का कम होता है किससे, क्लोरीन से, है ना, और कर लिया फिर सोडियम का यूज कर लिया। तो यही था हमारी इस वीडियो में, और ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है हमारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।